हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये बॉटल है मेरे हाथ में और अभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत ही प्रैक्टिकली आपको एक अच्छी चीज समझाने का मौका मिल गया। वैसे मैंने कई बार इस बात को रखा है आपके सामने, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल और इससे एकदम से बचपना याद आ गया। हम सब कभी छोटे हुआ करते थे, जब छोटे थे तो हाथ कमजोर होता था, बचपन का हाथ था कमजोर था, तो कई बार किसी बॉटल को खोलने के दौरान, ढक्कन के खोलने के दौरान मैंने देखा कि जब वो नहीं खुल पाता था तो पापा के पास जाते थे और वो क्या करते थे, उसको हल्का सा ढीला कर देते थे और फिर उसके बाद दे देते थे। उसी तरह से मैंने कई बार ये भी देखा कि मम्मी से भी कुछ कभी कभी नहीं खुलता था, अब उनसे उतनी ताकत नहीं थी तो वो उनको बढ़ा देते थे, वो ऐसे हल्का सा खोले और फिर छोड़ देते थे। अभी खाना खा रहे थे, जस्ट अभी खाना ही खा रहे थे तो एक बच्चे से ये नहीं खुला, लगा है नहीं खुला, तो मुझे बोला, मैंने बोला दो मुझे, उसने मुझे दिया और मैंने इसको हल्का सा ऐसे कर दिया, बस इतना ही किया और करके हमने उसको दे दिया। उसके बाद उसने खोला और पानी पी लिया, सिंपल सा। ये देखने में बहुत ही छोटी चीज लगी, कुछ नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। ये मैं कई बार और कई तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश पहले कर रहा था वीडियो के माध्यम से। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल, कहते हैं ना, कब क्या मिल जाए और किससे क्या सीख लो पता नहीं चलता। एक टीचर का, एक गुरु का इतना ही रोल है आपके लाइफ में, आपके स्टडी के दौरान, इवन आगे भी। आप जिसको आइडियल मानते हैं उस आइडियल का इतना ही रोल है आपके लाइफ में, और आपको भी इतना ही लेना चाहिए यदि आप सही में सफल होना चाहते हैं। तो आप अगर उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद रखते हैं तो आप सफल नहीं होंगे बल्कि हैंडीकैप हो जाएंगे, यानी निर्भर हो जाओगे बहुत ज्यादा, और वो फिर सफलता की तरफ जहां आप जाना चाहते हैं वहां नहीं जा पाएंगे। आई थिंक समझ में आ रही है बात। टीचर का या आपके मेंटर का क्या रोल है? वो ये रोल है कि जो बहुत ही उलझा हुआ गुत्थी है उसको बस सुलझा के छोड़ दे, हल्का सा सुलझा दे, जहां आप एकदम फंस रहे हो ना वहां से सिर्फ हल्का सा निकाल दे फिर छोड़ दे, फिर आप गिरिए, लुढ़किए, चोट लगेगा, सब होगा। समझ आ रहा है? वो सारी चीजें होंगी, सीखने के लिए वो सारी चीजें करनी पड़ती है। हमारा क्या रहता है कि हम जब किसी क्लासेस के अंदर या किसी टीचर से मिलते हैं तो हमारी उम्मीद उनसे ये होती है कि वो हमको सारा नोट्स दे दे, सब कुछ ऐसे दे कि जिसको पढ़े और एग्जाम में आ जाए, ऐसे क्लास कराए जिससे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आंसर राइटिंग ज्यादा करना भी नहीं पड़े, अपने आप हो जाए, कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे कम पढ़े, ना पढ़े, बिना पढ़े हो जाए, ऐसे कई सारे अजम्पशंस होते हैं और हम लोग लगे पड़े होते हैं। अब उस चक्कर में क्या होता है, टीचर्स को भी उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है क्योंकि उनको भी अपने कोचिंग को रन करना है, अपनी कैरियर को लेके चलना। अभी गुरुकुल वाला जमाना तो रहा नहीं सतयुग का कि भिक्षा मांगेंगे काम चल जाएगा या गुरुजी जा रहे हैं तो वो सम्मान मिलेगा, ऐसा है नहीं। तो अब ये एक प्रोफेशन भी बन चुका है, तब भी यहां पे जो टीचर का रोल है वो आपको समझना पड़ेगा और आपको उससे ज्यादा की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा कोई दे भी रहा है तो लो मत, क्योंकि आप कभी मजबूत नहीं हो सकते, फिर कभी मजबूत नहीं होइएगा। आप उनसे इतने ही कि आप हमारे साथ रहिए, जहां दिक्कत होगी वहां सिर्फ सपोर्ट कर देना, करना हमको है। जैसे अभी ये बॉटल था, इसका ढक्कन पूरा खोल के भी दिया जा सकता था, ग्लास में पानी निकाल के दिया जा सकता था, लो बच्चे पी लो, लेकिन नहीं, सिर्फ बोतल के ढक्कन खोलने के दौरान पूरे एफर्ट के बाद दिक्कत जो आ रही थी उस दिक्कत को हल्का सा ठीक किया गया, उसके बाद भी उस बच्चे का हाथ है ना तो उसको खोलने में उसको तकलीफ तब भी होगी, तब भी उसने खोला, ग्लास में लिया, पिया। अगर ये प्रोसेस हम आसान कर देते तो फिर वर्थ ही नहीं था, वो फिर आगे इस स्ट्रगल को कैसे समझता। समझ में आ रहा है? तो आपको इस लाइफ के फेज में इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं पर भी और किसी से भी उतनी ही मदद लेनी है, उतनी ही सहयोग लेना है जितना एकदम से जरूरी है। अब एकदम हिम्मत हार गए, 102 की 10 केजी का वेट है, 100 तक उठा पा रहे, 10 नहीं उठ पा रहा, तब मदद हम ले लेंगे कि तुम्हारा सपोर्ट कर दो, उठा लेते हैं।
तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये आपको अपकमिंग क्लासेस के दौरान, कोचिंग के दौरान, या किसी मेंटर को ज्वाइन करने के दौरान ये दिमाग में रखना। और यकीन कीजिए, जो लोग इस तरह से लेके चलते हैं अपने मेंटर्स को, अपने टीचर्स को, अपने कोचिंग को, सक्सेस वही होता है। नहीं तो आपने 12th फेल मूवी देखी होगी, उसके अंदर ऑफिसर बने क्या उस बैच में अकेले पढ़ने वाले हुए? क्या विकास दीपकृति सर जो पढ़ा रहे थे तो मेंस में वो इकलौता बच्चा था जो पढ़ रहा था? नहीं, वो इकलौता बच्चा नहीं था। आप अगर उसको पढ़ते हुए देखोगे तो एक्चुअली में पढ़ वही रहा था, और विकास सर क्या कर रहे थे, एक गाइडेंस की भूमिका में थे। उनके क्लास का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो क्लास तो सबको दिए, उस क्लास के नोट्स सबको दिए, सिखाया सबको, लेकिन उस बच्चे को क्या चाहिए था उनसे? उस बच्चे को जितना चाहिए था उतना ही लिया और लग गया। फिर उसको दिक्कत जहां होती थी वहां वो मिलता होगा, वहां वो। तो इस तरह से ही आपको किसी को भी लेना है, कोई भी टीचर हो, कुछ भी हो, यानी आप अगर इस फील्ड में आए हो तो आप अकेले हो, आपको वो सारा काम करना है, लेकिन उस काम के लिए आपको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। उसका कारण है, कई बार आपको लगता है ये होगा, जैसे टीचर्स अगर बता दें कि देखो अच्छे से नोट्स बनाओ, इन चार किताबों को पढ़ के नोट्स बनाओ, इससे ये चैप्टर पढ़ लो, यहां से ऐसे कर लो, तो आपको एक मिनट के लिए दिमाग में क्या आएगा मालूम है? दिमाग में आएगा यही बताने के लिए, यही बताना है इनको, समझ में आ रहा है? और इस पर्टिकुलर जगह पे दिक्कत हो सकती है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। एक्चुअली उसी को सीखने में उनको 10 साल लग गए, और वो आपको नहीं चाहता। वो जैसे हम है, कभी जब क्लास लेते हैं तो स्टूडेंट को पहले ही जहां जहां गलतियां हो सकती है वहां पे 4 बार रुक के पढ़ाते हैं, क्योंकि वो जगह है गलती होनी है, और हर बैच में होता है, हर नए स्टूडेंट के साथ होता है, इवन पुराने के साथ भी हो जाता है, तो हर एक के साथ होता है, क्योंकि वहां होना है गलती। तो उस गलती को सीखने में आपको अकेले 5 साल लग जाएगा, और हमारे साथ उसी पर्टिकुलर क्लास में ही आप खत्म कर दोगे कहानी। लेकिन ये कब होगा? जब आपको जो बोला जाए आपने उसको फॉलो किया। अब आप कहोगे यही बताने के लिए किया था, इस बताने का कीमत किसी ने 10 साल चुकाया है, और आप उसको 10 दिन में सीख रहे हो। एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि एक बार अमेरिका का, शायद मुझे कंफर्म देश नहीं पता है, उसका कोई फाइटर प्लेन जो था वो खराब हो गया। मैंने शायद मूवी में देखी है कहीं, दे मूवी में देखी है, बट ये एक्चुअली रियल स्टोरी है। खराब हो गया तो अब वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो बोला गया एक ही आदमी जो उसको ठीक कर सकता है। तो बुला के लाया क्या उसको, बोला इसको देखो ठीक हो पाएगा? बोला हाँ। बोला ठीक है, देखते देखा देखा और देखते देखते एक हथौड़ा मारा, एक हथौड़ा मारा उसने, बोला चलाओ, चलने लगा। जब वो चलने लगा तब वो क्या बोलता है, कितना पैसा हुआ? तो उसने बोला होगा बहुत ज्यादा बता दिया पैसा, अब जेट के हिसाब से 10 दिन के काम के अकॉर्डिंग बता दिया। तो उसने बोला एक हथौड़ा तुमने मारा है और तुम इतना पैसा मांग रहे हो? तो उसने बोला ये एक हथौड़ा कहां मारना है, किस जगह सही जगह पे मारना है, और कितने जोर से मारना है, इसी का पैसा मैं ले रहा हूं, इसको सीखने में मैंने सालों लगा दिया। ठीक है, तो ये चीज आप अपने टीचर्स से, अपने मेंटर से सीखें, ये ना कि उनके चक्कर में बैसाखी पकड़ लो। तो समझ में आ रहा है कि आपको कितना मदद लेना है, यही चाहिए आपको बस। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होंगी, अगर आ गई है तो इसको फॉलो कीजिए, बहुत काम आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।